वहीं सूर्या मॉल चौक में यातायात व्यवस्था को कंट्रोल में रखने ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। सिग्नल्स के लगने के बाद से ट्रैफिक और भी अनकंट्रोल हो चुका है, जिससे यहां हर वक्त दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। सूर्या मॉल चौक की बेलगाम यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखने ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और भी बेलगाम हो चुकी है। सभी प्रकार के वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ट्रैफिक नियमों और सिग्नल्स की अनदेखी करते हैं, जिससे सिग्नल दिखावा मात्र साबित हो रहा है। चारों ओर से वाहनों के एक साथ चौक पार करने से यहां हर वक्त दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। रही सही कसर ऑटो चालकों ने पूरी कर दी है। सड़क को ही पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया गया है। सवारियों को बैठाने और उतारने का काम भी सड़क पर ही किया जाता है। स्थिति को देखकर भी यातायात विभाग और नगर निगम प्रशासन इसे अनदेखा कर रहा है। दुर्घटनाओं को रोकने यातायात पुलिस द्वारा शहर के अंदरूनी प्रमुख चौक चौराहों में सिग्नल्स की व्यवस्था की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं सूर्या मॉल के पास लगे इस ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रैफिक सिग्नल के पास चौराहे में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये चौराहे अति व्यस्त चौराहों में इसकी गिनती होती है, लेकिन यहाँ पर यातायात के नियमों को पालन करने को लेकर के कोई भी वाहन चालक तैयार नहीं दिखता। रेड लाइट को क्रॉस करना आए दिन की बात हो गई है। वाहन चालक जो है, जिसकी वजह से वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियमों का पालन नहीं किए जाने की वजह से हर वक्त यहाँ दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ये जो ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, ये मात्र दिखावा साबित हो रहे हैं। चारों ओर से ट्रैफिक सिग्नल के चारों ओर से वाहन चालक अनियंत्रित गति से आते हैं जाते हैं, किसी के द्वारा भी यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ये सूर्या मॉल से लेकर के अवंती बाई चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया गया था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण सड़कों के किनारे सूर्या मॉल चौक ऑटो चालकों द्वारा अस्थायी रूप से अघोषित वाहन स्टैंड में तब्दील कर दिया गया। साथ ही सूर्या मॉल चौक से अवंती बाई चौक तक सड़क के दोनों किनारे बहुत सारे ऐसे तमाम जो छोटे बड़े व्यवसायी हैं, जिनके द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर दिया गया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हो सकती है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं अनियंत्रित रूप से आते एक वाहन चालक द्वारा वहाँ पे एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये अभी हाल की बात है, क्योंकि वाहन चालक एक ओर से दूसरी ओर आने जाने की जल्दीबाजी के चक्कर में इस तरह की घटनाएँ आए दिन होती रहती है। यही स्थिति अवंतीबाई चौक में भी देखने को मिलती है, क्योंकि दिन के वक्त थोड़ी बहुत ताज़ा स्थिति सामान्य रहती है, क्योंकि रात को शाम ढलते ही इस चौराहे में ना अवंतीबाई चौक चौराहे में किसी के द्वारा भी यातायात के नियमों पर पालन नहीं किया जाता। कुछ दिन पूर्व तक यहाँ देखा जाता था कि यातायात विभाग द्वारा अस्थायी रूप से पुलिसकर्मी को तैनात किया जाता है, अब उसकी स्थिति वो भी यहाँ पे अनुपस्थित रहता, उसकी उपस्थिति भी यहाँ देखने को नहीं मिलती। सूर्या मॉल चौक और अवंतीबाई चौक में किस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व यातायात पुलिस को सिग्नल को चालू करने के साथ साथ ही यहाँ पे स्थायी रूप से यातायात के कर्मियों को तैनात किए जाने की जरूरत है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना से सुरक्षित रहा जा सके। ब्रांड एक्सपेंट के लिए कैमरामैन प्रवीण के साथ संजय दुबे।